How to adjust clip speed and DaVinci Resolve. DaVinci Resolve की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे DaVinci Resolve के अंदर क्लिप स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप किसी क्लिप की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपने उस क्लिप को सेलेक्ट करना है जिसकी स्पीड को आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। एंड देन आपने जाना है इंस्पेक्टर पे। यहाँ पर आपने इंस्पेक्टर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि आपने वीडियो सेलेक्ट किया हो, ठीक है। एंड देन आपने आना है स्पीड चेंज पे, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्शन में आपने जिस डायरेक्शन में आप स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं आपने वो डायरेक्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपके पास स्पीड का ऑप्शन है। सो स्पीड जो डिफ़ॉल्ट होगा वो यहाँ पर 100% होगा। अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, लेट्स से अगर आप फास्ट करना चाहते हैं अपने उस क्लिप को, तो आपने यहाँ पर टाइप करना है 150 या 200, ठीक है। और अगर आप अपने क्लिप स्पीड को डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर 50 या 70 या 60 इस तरह आपने टाइप करना है, ठीक है। तो आप इसी तरह इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेट से यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 200, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियो की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई है। प्ले, दैट्स इट। तो आप इसी तरह अपनी वीडियो की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं DaVinci Resolve के अंदर। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।